सनटेक मैक्स वर्ल्ड प्रोजेक्ट नायगांव ईस्ट, उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं अभी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमर गोगटे और होम मेकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश है और पॉजिटिव है। दोस्तों, मैक्स वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन का साइट मेरे पीछे है। ये टोटल 20 टावर्स का टाउनशिप है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल में इसका पोजिशन आ जाएगा और रेडी टू मूव इन टाउनशिप जो है सनटेक का वेस्ट वर्ल्ड, ये इसके एग्जैक्टली सामने है और ये वेस्ट वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सनटेक मैक्स वर्ल्ड का 1 BHK प्रॉपर्टी, उसका क्या प्राइसिंग जाएगा, कब तक पोजीशन होगा, मॉड्यूल कैसा है, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है, 23 स्टोरी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। सामने का जो टॉवर है वो 3 BHK एक्सक्लूसिव टॉवर है सारे के सारे और बैक साइड में 1 और 2 BHK के टॉवर्स है। ये 100% RCC कंस्ट्रक्शन है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है और ये माइवान कंस्ट्रक्शन है। माइवान कंस्ट्रक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन। और सामने देखोगे तो देखिए वेस्ट वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन है, ये रेडी टू मूव इन टाउनशिप है। इसका पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 3 से 4 महीने में हो जाएगा। और नीचे रिलायंस का ऑलरेडी स्मॉल मार्ट, रिलायंस का शॉपिंग मॉल ओपन हो चुका है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है नायगांव स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आइए देखते हैं अभी मॉड्यूल और मैं बाद में दिखाने वाला हूँ इसका सैंपल फ्लैट आपको। हम अभी है सनटेक मैक्स वर्ल्ड वेस्ट वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन साइट पे। दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, सामने देखेंगे तो वेस्ट वर्ल्ड का मॉड्यूल है, कैसे बनने वाला है वो, और मैक्स वर्ल्ड का जो मॉड्यूल है वो इनसाइड है। तो आइए देखते हैं मैक्स वर्ल्ड का मॉड्यूल पहले। दोस्तों, ये है हमारा मॉड्यूल। टोटल 15.5 एकर्स का लैंड बैंक है और ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का ये एलिगेंट स्ट्रक्चर है। सामने देखेंगे तो 5.5 लाख स्क्वायर फीट का हमें मॉल मिलता है। मॉल में ग्राउंड प्लस 2 का मॉल का कल्चर है। 5.5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अंधेरी से लेके विरार तक का सबसे बड़ा मॉल होगा। और यहाँ पे आता है PVR सिनेमास, तो 99.9% चांसेस है PVR सिनेमा मल्टीप्लेक्स 7-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स यहाँ पे आएगा और उसके ऊपर रहेंगे ग्राउंड प्लस 23 के एलिगेंट टॉवर्स। तो 3 BHK एक्सक्लूसिव टॉवर्स रहेंगे, ये जो फ्रंट में दिख रहे हैं आपको, ये 3 BHK के एक्सक्लूसिव टॉवर्स है। टोटल 20 टॉवर्स आएंगे 15.5 एकर्स के लैंड बैंक में। ये 3 BHK है, ये 3 BHK है, ये 3 BHK है। इसे लेक शोर का नाम दिया है, ये पर्टिकुलरली लेक शोर का टॉवर है। और सामने देखेंगे तो वो है हिल व्यू के टॉवर्स और मिडल में आपको अगेन हिल व्यू के टॉवर्स आ जाते हैं जो मॉल फेसिंग के टॉवर्स है। फ्रंट में यहाँ पे देखेंगे तो 2 एकर का लैंड जो है वो क्रिकेट का पिच आ जाएगा। टोटल 50+ एमिनिटीज दोस्तों इसमें रहेंगी, क्लब हाउस, जिमनेशियम, स्विमिंग पूल सब कुछ होगा इसमें। और यहाँ पे देखेंगे तो कम्प्लीटली लेक डिज़ाइन किया हुआ है, ये नेचुरल लेक है। इस लेक को आप खाड़ी कह सकते हो, नाला कह सकते हो, या फिर ये नेचुरल रिजर्वॉयर है। ये रिजर्वॉयर के साइड में पूरा डेक के हिसाब से क्रिएट करेंगे और डेक के हिसाब से क्रिएट करने के बाद में एक जॉगर्स ट्रैक क्रिएट होगा, वो एंड तक जाएगा। तो ये 3 BHK का अल्ट्रा लग्जरियस टाउनशिप, एक्सक्लूसिव 3 BHK। इस साइड में देखेंगे तो 1 BHK और 2 BHK हो जाता है। 1 BHK का जो स्टार्टिंग रेंज है वो 37,75,000 का है और उसका कार्पेट एरिया होता है 407 स्क्वायर फीट का। इसमें देखिए बीच में गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया में आपको किड्स प्ले एरिया आ जाता है, स्विमिंग पूल है, जिमनेशियम है, क्लब हाउस है, क्रिकेट का पिच है। और ये इसमें अगर हम ईस्ट वेस्ट फेसिंग वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स देखते हैं तो ये जो सारे फ्लैट्स हैं दोस्तों ये आपको मिल जाएंगे सनसेट फेसिंग यूनिट्स। और सनसेट फेसिंग यूनिट में अगर हायर फ्लोर का फ्लैट लेते हैं तो आपको भाइंदर का खाड़ी सी व्यू भी मिल सकता है। तो ये पूरा इसका मॉड्यूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बैक साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। अभी फ्रंट साइड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये फ्रंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये टॉवर नंबर 12 है, टॉवर नंबर 12 में 1 और 2 BHK है। ये बहुत ही प्रीमियम टॉवर है, ये लास्ट टॉवर आएगा या फर्स्ट टॉवर आएगा। नायगांव स्टेशन से ये रोड जाता है, देखिए ये जो रोड है ना, ये रोड बाद में एंड में कनेक्ट होकर नायगांव स्टेशन तक जाएगा। तो नायगांव स्टेशन से अगर आओगे तो पहला टॉवर वो रहेगा, उसके बाद में ये जो सारे टॉवर्स हैं ये वसई फेसिंग या माउंटेन फेसिंग होंगे। इसमें आपको सनराइज का व्यू पूरा मिल जाता है। और अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, अंदर इतना ऑसम व्यू है। ये एक दुबई के पाम कोर्ट का व्यू आप कंपेयर करोगे, आप नेट पे चेक कर लीजिए, तो वैसा व्यू आपको मिल जाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन हमें मिल जाएगा 2 सालों में। और ये अमेजिंग व्यू, अमेजिंग टाउनशिप 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का। अभी देखते हैं इसका सैंपल फ्लैट दोस्तों। दोस्तों, पहली बार आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉ फ्लैट 1 BHK का। फर्निश्ड नहीं है, रॉ है, उसमें स्पेस पता चल जाएगा, उसका ग्लांस आप ले लीजिए, फिर फर्निश्ड फ्लैट में मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आइए रॉ फ्लैट का ग्लांस लेते हैं।
वेलकम टू सेंटेक मैक्स वर्ल्ड शो फ्लैट। ये 1 BHK का शो फ्लैट है। ये 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कंबाइन एक फ्लैट बनाया, पर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको 1 BHK में कितना स्पेस हमें मिलता है। ये लिविंग रूम है दोस्तों, 9x14 का हमें लिविंग रूम मिलता है। 407 square feet का इसका रेरा कार्पेट एरिया है और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 37.75 लाख से स्टार्ट होती है। फर्स्ट टू थ्री फ्लोर का बैंड है और उसके ऊपर जैसे जैसे फ्लोर राइज होगा वैसे वैसे प्राइसिंग चेंज होगी। तो देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्पेस इसमें है। 9x14 में हमें लिविंग रूम में 3 सीटर का सोफा सेट यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये वॉल पे टेलीविजन सेट है। अगर डाइनिंग टेबल आपको डालना है तो डाइनिंग टेबल डालने के लिए यहाँ पे 4 सीटर का डाइनिंग टेबल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जो सामने की वॉल है, इस वॉल पे भी अगर आपको टीवी इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पेस ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के बावजूद भी आपको घर के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो 50-60 स्क्वायर फीट का ओपन स्पेस मिल जाता है। मुझे बेस्ट पार्ट सेंटेक के जो प्रोजेक्ट में लगी वो है सीलिंग टू बॉटम का हाइट या बॉटम टू सीलिंग का हाइट। दोस्तों ये जो हाइट है ये अप्रोक्सीमेटली 10 फीट का हाइट है। 10 फीट के हाइट में आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है। देखिए इतना बड़ा स्पेस है, ऊपर आपको कुछ नहीं तो स्टोरेज करने के लिए सब जगह पे स्पेस मिल जाती है। और इसमें फ्रंट में हमें बालकनी मिल जाती है। फ्रंट फ्रेंच व्यू पूरा का पूरा बालकनी का है। ये फ्रेंच स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी बालकनी का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये फ्रेंच विंडोज है इसके, तो 2x9 square feet की बड़ी बालकनी मिल जाती है। और बाहर का अगर आप हायर फ्लोर पे जाते हो या गार्डन व्यू लेते हो तो बाहर का ऑसम व्यू आपको हमें इसमें मिल जाता है। अब देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम। ये 1 BHK विद मास्टर बेड है, आइए देखते हैं वॉशरूम। दोस्तों 6x4 का वॉशरूम है। वॉशरूम में फिक्स्चर फिटिंग्स जो आएंगी सारी की सारी जैगवार की आएंगी, ब्रांडेड फिक्स्चर फिटिंग्स है। सैनिटरी वेयर भी पूरा का पूरा जैगवार का रहेगा, WC जैगवार का है। टाइल्स जो है टॉप टू बॉटम तक आपको सिरेमिक टाइल्स आ जाएंगी और ग्राउंड पे फ्लोरिंग पे आपको एंटी स्किड टाइल्स आएंगी। यह दोस्तों आपका मास्टर स्वीट 9x12 square feet का अप्रोक्सीमेट मास्टर स्वीट है। 110 square feet से भी ज्यादा का इसका स्पेस है और ये लग्जरियस मास्टर स्वीट है। आप अगर इसको ऐसे ही एलिगेंटली डिजाइन करोगे तो बहुत ज्यादा स्पेस आपको रहेगी। ये एक आप 6x6 का इसमें बेड डाल देते हो तभी भी 3-3 feet का स्पेस आपको हर जगह पे साइड में मिल जाता है। और सामने देखिए वार्डरोब की स्पेस, इतना बड़ा 4 डोर का वार्डरोब ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये वार्डरोब में बहुत ज्यादा स्पेस है, ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे तो हाइट का जो मैं आपको बता रहा था वो हाइट का इंपैक्ट है। जो 10 फीट की हमें हाइट मिलती है वो देखिए, इसकी वजह से जो थर्ड कंपार्टमेंट है वार्डरोब का ये एक्स्ट्रा हमें एडिशनल मिल जाता है। और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कितना स्पेस आपको इसमें आ जाएगा। देखिए ये साइड में कितना ज्यादा स्पेस है पूरा, पर ऐसा ही एलिगेंटली डिजाइन आप आपके घर में कर सकते हो। ये वॉल पे पूरा नीश वॉल है, ये नीश वॉल के ऊपर हम टेलीविजन सेट लगा सकते हैं। बड़ी वॉल है तो 65 इंचेस का टेलीविजन सेट, 75 इंचेस का टेलीविजन सेट भी आपको लगाना है तो आप आराम से इसमें यहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों किचन 9x6x6 का स्पेस है। किचन का बड़ा किचन है। किचन में अभी की सिचुएशन में आपको 2 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं लेकिन मिलता है हमें ये 1 प्लेटफॉर्म। ये बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है और यहाँ पे पूरी स्पेस मिल जाती है। ये बड़े प्लेटफॉर्म की विड्थ बहुत ज्यादा है तो एक 4 स्टोव का हॉब देखिए अभी यहाँ पे रखा हुआ है, आराम से आपका 4 स्टोव का हॉब यहाँ पे आ जाता है। चिमनी की स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी है। एशियन पेंट स्लीक का मॉड्यूलर किचन करवाया है तो मॉड्यूलर किचन के कंपार्टमेंट देखोगे तो मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 10-12 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंपार्टमेंट्स आपको मैं ओपन करके बताता हूँ कितना ज्यादा स्पेस है कंपार्टमेंट्स में। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये कंपार्टमेंट्स इसके बहुत ही स्पेशियस है और ये देखिए इसके कंपार्टमेंट्स पूरे। अगर क्वालिटी फर्नीचर आप मॉड्यूलर किचन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा एलिगेंटली डिजाइंड किचन मिल जाता है। जस्ट लुक एट दिस, 12 कंपार्टमेंट्स तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ यहाँ पे ही आ गए और ये कंपार्टमेंट्स में सारा का सारा स्टोरेज आप कर सकते हो। मुझे प्लस पॉइंट इसका जो लगा, मैं हाइट की बात हमेशा करता हूँ, मेरे सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि घर के अंदर का हाइट अगर ज्यादा है और अच्छा है तो आपको एडेड स्टोरेज मिल जाता है। अभी देखिए यहाँ पे ये बड़ा हाइट है, 10 फीट की हाइट का फायदा ये है कि एक थर्ड कंपार्टमेंट पूरा ऐसा ही एक कंपार्टमेंट पूरा का पूरा थर्ड स्टोरेज यूनिट आप ऊपर बना सकते हो। इस साइड भी बना सकते हो, राइट हैंड साइड में भी बना सकते हो। इसमें स्पेस ज्यादा होने की वजह से आपके पास में अगर एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स है तो आप इसमें आराम से डाल सकते हो। और ये साइड में देखिए आपको वॉशिंग मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। वॉशिंग मशीन की स्पेस है, जो ड्राई बालकनी है वॉशिंग मशीन आपने रख दिया। मैंने इनलेट आउटलेट वाटर कनेक्टिविटी और ड्रेनेज सब कुछ इसमें आ गया दोस्तों। तो ये था किचन, लिविंग रूम, किचन और बेडरूम तीनों हमने देख लिया है।
दोस्तों सैंपल फ्लैट हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा था वो पूरा हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि सनटेक रियलिटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए। बेसिक पॉइंटर्स में आपको बताता हूँ, ये नायगांव स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ईजी है। सामने यहाँ पे बस स्टॉप है आपको दिख जाएगा, बस स्टॉप के यहाँ पे आपको महानगर पालिका की VVMC की बसेस मिल जाती है, या स्टेशन से आपको 15 रुपीज में ऑटो मिल जाती है। एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान है। आपको मॉल शॉपिंग अगर करनी है तो सामने रिलायंस का मॉल है, ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है वो, लास्ट के शॉप्स में आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट आ जाएगा। यहाँ पे डीमार्ट आने के चांसेस है, बिकॉज 5.5 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ का स्पेस रहेगा, 2 सालों में इसका पोजीशन मिल जाएगा। और पेमेंट प्लान जो है वो बहुत ही फंटेस्टिक है, 10% पेमेंट आपको अभी पे करना है, 10% आपको 6 मंथ्स के बाद में, 40% आपको 18 मंथ्स के बाद में, और 40% फाइनल पेमेंट जो होगा वो OC आने के बाद होगा। तो अगर आप एक रियल टाइम यूज़र हो, घर ढूंढ रहे हो, मीरा रोड, मलाड़, कांदिवली साइड में अगर आप 75 या 80 लाख के बजट में 1 BHK देखते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों 37.75 लाख में आप नायगांव में ये प्रोजेक्ट एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको पता होगा, आपने सुना होगा फ्रेंड से कि नायगांव अंडर डेवलप्ड लोकेशन है। हाँ, मैं मानता हूँ नायगांव अंडर डेवलप्ड लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, BMC का पानी है, स्कूल्स का इशू नहीं है, कॉलेज का इशू नहीं है, हॉस्पिटल का इशू नहीं है। इशू है तो सिर्फ है ग्लैमर का, ग्लैमर इन द सेंस यहाँ पे अभी तक बिग बाजार नहीं आया, डीमार्ट नहीं आया है, या फिर एक मूवी थिएटर नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी सब कुछ है यहाँ पे। तो क्यों मीरा रोड या वहाँ पे साइड में जाके आप 75 लाख में एक 1 BHK ले रहे हो, जहाँ पे अगर वही बजट में आपको 2 BHK या 3 BHK यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन दोस्तों ये है कि एक बार सनटेक नायगांव जरूर विजिट कीजिएगा, वर्थ प्रोजेक्ट है। आप सामने देखिए कितना अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और स्टेशन से पास में है 7 Square Academy, हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे स्कूल है, ठाकुर एजुकेशनल ट्रस्ट का स्कूल और कॉलेज यहाँ पे एक 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ रहा है, डॉन बॉस्को स्कूल पिछले 15 सालों से दोस्तों नायगांव में है। तो एक बार विजिट करना बनता है। साइट विजिट आपको करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।